मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर के संगम वाटिका और रंगमहल गार्डन में भीषण आग लग गई। आग लगने से चारों ओर अफरा तफरी मच गई। मौके पर मौजूद लोगों ने फायर ब्रिगेड की सूचना दी, जिस पर तत्काल मौके पर पहुंचकर फायर ब्रिगेड कर्मचारियों ने आग पर काबू करने का प्रयास किया। वहीं आपको बता दें कि आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। देखिए, कारण का पता तो कुछ समय के बाद ही लगेगा। अभी हमारा फोकस जो है वो इसको कंट्रोल करने में, और उसके लिए हमारी सारी टीम्स एक्टिवेट हो गई है। हमने पास में एयरफोर्स स्टेशन से भी फायर ब्रिगेड बुलाई है, एयरपोर्ट को भी कवर किया है। साथ ही हमारे सारे नगर निगम की तो बैक टू बैक गाड़ियां यहाँ पर चल रही हैं, और यही चाह रहे हैं कि तुरंत इसको हम कंट्रोल कर लें। लगभग कितनी 20 से ऊपर हम गाड़ियां अभी तक लगा चुके हैं। कंट्रोल हो रही है, पहले की स्थिति से बेहतर हो रहा है, कंट्रोल हो रही है।